मोदी का चेहरा था ना हिमाचल में, मार दिया प्रियंका गांधी ने, देखे कर दिया साफ। हिमाचल की जनता चोरों को, ठगों को, देश बेचने वालों को, झूठों को पहचान चुकी है। और प्रियंका गांधी 3 या 4 बार गई है, तो ये हाल अगर वो सुबह शाम होती तो मैं समझूं देश में ही परिवर्तन आ जाता। इसके लोग परेशान है, हम देश बनाने वाले हैं, हम भी परेशान है। देश बिक रहा है, लूट रहा है, इसको भी तो रोकना मीडिया के भाइयों का, हमारा सभी का धर्म है इस देश को बचाना। गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, इन दोनों का मिशन एक ही था, भारत बचाने का। अब बचाने में सबको काम करना कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो। गुजरात और हिमाचल के नतीजे जो हैं, आप लगभग क्लियर हो चुकी है तस्वीर की क्या होने वाला है। जहां एक तरफ गुजरात में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है, जो 27 साल से एक छत्र भारतीय जनता पार्टी कायम है, फिर से अपने ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश में रिवाज कायम रहा है और राज बदल चुका है। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और प्रियंका सेना के जगदीश शर्मा है, इनसे बात करते हैं कैसे देख रहे हैं। एक तरफ आपको हिमाचल में खुशी मिली है, लेकिन गुजरात में जो है जोर का झटका लगा है। देखिए झटका नहीं लगा है, झटका उनको लग गया होगा जिनको राजनीति के बारे में पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। अच्छा, जब नरेंद्र ने कहा कि वीरेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो मैंने जब भी कह दिया था रिकॉर्ड टूटेगा। भाई विश्व गुरु कह रहा है, विश्व गुरु की बात को झुटला सकता है क्या? अच्छा, वो रिकॉर्ड टूटगा, इसलिए झटका नहीं लगा। मैं तो 2 दिन पहले ही पता लगा था कि वीरेंद्र रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और मैं समझता हूँ हिमाचल में, हिमाचल में सुपड़ा साफ था भारतीय जनता पार्टी का, और नारा था वहाँ के बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 7। लेकिन सुबह से रुझान में जैसे जैसे बीजेपी कांग्रेस के पीछे पीछे चल रही थी, दिल की धड़कने डगमगा रही थी कि हो क्या रहा है, क्या यहाँ भी लोकतंत्र लूटेगा। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल चल रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है। मोदी का चेहरा था ना हिमाचल में, मार दिया प्रियंका गांधी ने, देखे कर दिया साफ। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी बड़ी नेता है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर इकट्ठे एक साथ चल देंगे तो कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं है। आज प्रियंका गांधी, राहुल प्रियंका गांधी जाना डिमांड करती है कि आज ही प्रियंका गांधी को महामंत्री संगठन बना देना चाहिए, कांग्रेस मजबूत होगी। लेकिन ये समझने वाली बात है कि वहां पर 19 से ज्यादा वागी विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी के जो मैदान में थे, क्या उसका नुकसान हुआ कि भारत कांग्रेस पार्टी, तो समझ लीजिए गुजरात में जिस तरह से बुरा हाल हुआ है, हिमाचल में भी कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला अभी भी रुझान, कांटे का टक्कर दिखाई जा रही है नहीं वहाँ पे जनता। लड्डू भी यहाँ पे देखिए, लड्डू भी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग लड्डू की खुशियां मना रहे हैं। जोश उत्साह बड़ा है, जोश तो बड़ा है, जोश तो बड़ा है। मैं समझता हूँ भाई थोड़ा सबर करो यार, मैं समझता हूँ देश की जनता, हिमाचल की जनता चोरों को, ठगों को, देश बेचने वालों को, झूठों को पहचान चुकी है। और प्रियंका गांधी 3 या 4 बार गई है, तो ये हाल अगर वो सुबह शाम होती तो मैं समझूं देश में ही परिवर्तन आ जाता। आज प्रियंका गांधी की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी से अपील करता हूँ अपनी बहन को बड़ी जिम्मेदारी दें जिससे कांग्रेस मजबूत हो। ये इधर उधर से आप लाके बैठा देते हैं, वो उनको जनता नहीं पसंद करती है। चलिए आप परिवार में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मिलकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का परचम लहराएगा, क्योंकि देश के लोग परेशान हैं, हम देश बनाने वाले हैं, हम भी परेशान हैं। देश बिक रहा है, लूट रहा है, इसको भी तो रोकना मीडिया के भाइयों का, हमारा सभी का धर्म है इस देश को बचाना। गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, इन दोनों का मिशन एक ही था, भारत बचाने का। अब बचाने में सबको काम करना चाहिए। मोदी को हिमाचल में दे मारा।